किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं डायसन कार्टर की पुस्तक पाप और विज्ञान की ऑडियो रिकॉर्डिंग। ये इस कड़ी का 9वां भाग है। आज आप सुनेंगे इस पुस्तक का अगला अध्याय, बंधन रहित प्रेम और वैज्ञानिक नैतिकता। १९१७ की नवंबर क्रांति ने ज़ारकालीन जीवन की असलियत को उघाड़ कर रख दिया। लड़खड़ाती हुई अर्धसामंती व्यवस्था को उसने चूर चूर कर दिया। सदियों से प्रतिष्ठित मगर खोखले रीति रिवाजों को उसने उखाड़ फेंका। कुछ दिनों के लिए तो उसने रूस की दीर्घकालिक आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विषमता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। सोवियत सरकार अनैतिकता पर कारगर हमला बोलने में कुछ दिन तक तो एकदम असमर्थ रही। पर क्रांति के आरंभ काल से कम्युनिस्ट नेता मानते चले आए थे कि कोई भी समाज व्यवस्था जो सबको सच्ची आजादी देने की बात करे, ऐसी नैतिकता को बर्दाश्त नहीं कर सकती जिसकी आधारशिला असंख्य औरतों की गुलामी हो। जहां भी सोवियत सत्ता कायम हुई, शासन प्रबंध की बागडोर पुलिस के हाथों से जनता के हाथों में आती गई। पहला जो कानून पास किया गया वो ये था कि पीले टिकट की व्यवस्था का अंत किया जाए। 1917 के बाद रूस की व्यभिचारिणी स्त्रियों ने अधिकारियों को नजराने देना बंद कर दिया। ये परिवर्तन अवश्यंभावी था। क्रांति को सफल बनाने का श्रेय संगठित मजदूर वर्ग को था। इस क्रांति का लक्ष्य भी मजदूर वर्ग का हित ही था। गरीब किसान भी इस क्रांति के समर्थक थे, और चूंकि रूस की बहुसंख्यक वेश्याएं गांवों और कस्बों की निर्धन औरतें थी, इसलिए नई सरकार कैसे असहायों के अमानुषिक शोषण के जारी रहने को सहन कर सकती थी। अतः उसने इस शोषण को बंद करने का प्रण किया। इस प्रकार पीले कार्ड की व्यवस्था का अंत हुआ। सभी महिलाओं को नागरिकता का हक मिला, पर यह सब केवल भावनामूलक था। क्रांतिकारियों के बीच कुछ ऐसे राजनीतिक आदर्शवादी भी मौजूद थे जो कहते थे कि अनैतिक स्त्रियों को उनके नेक पड़ोसियों के समान ही वोट डालने का अधिकार दे देने का अर्थ होगा उन्हें मनुष्योचित आत्मसम्मान प्राप्त हो जाना। लेकिन उनका ये भ्रम टूटने में अधिक दिन नहीं लगे। पुरानी राज्य व्यवस्था के पतन के बाद रूसी जीवन में जो अस्त व्यस्तता एक लंबे काल तक रही, उसके भयंकर परिणाम सामने आए। व्यभिचार व दुराचार अनेक रूपों में प्रकट हुए। अल्पवयस्क वेश्यावृत्ति भी बढ़ी। दरअसल नवंबर की घटनाओं के बाद तो ये चीजें अपनी चरम सीमा तक पहुँच गयी। ये पता लगते देर न लगी कि क्रांति ने जिस स्वाधीनता को जन्म दिया था उसके भिन्न भिन्न और अजीबोगरीब अर्थ लगाए जा रहे थे। कम्युनिस्ट नारा कहता था, तुम्हें अपनी बेड़ियों के अलावा इस क्रांति से और कुछ नहीं खोना है। कार्ल मार्क्स का ये प्रसिद्ध नारा वास्तव में आर्थिक शोषण की बेड़ियों के बारे में था। अनेक रूसियों ने, विशेष रूप से नवयुवकों और बुद्धिजीवियों ने इस नारे का अर्थ लगाया, तुम्हें प्रतिबंधों के अलावा इस क्रांति से और कुछ नहीं खोना है। इन लोगों ने सोचा कि ज़ारशाही के ध्वंस के साथ पूंजीवादी सदाचार संबंधी नियमों को उखाड़ फेंकना भी अच्छा होगा। जैसा कि वे सोचते थे, चुटकी बजाते ही लेनिन ऐसा समाजवादी समाज कायम कर देंगे जिसमें हाथ भर बढ़ाना होगा कि हर चीज स्वयं मुट्ठी में आ जाएगी। तदनुसार उन्होंने रूसी महिलाओं और बालिकाओं को ये समझाना शुरू किया कि प्रेम की समस्या उतनी ही आसान है जितना खाना और पीना। बंधन रहित प्रेम का ये सिद्धांत बहुत पुराना है। आज भी हमारे बहुत से नवयुवक इस सिद्धांत के हामी हैं। लफाजी से रंगा चुना ये सिद्धांत कुछ रूसियों को भी बहुत भाया। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि व्यभिचार को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है यौन संबंधी तमाम प्रतिबंधों को खत्म कर देना। अनैतिकता के संबंध में ये दृष्टिकोण निहायत बेतुके ढंग से पेश किया जाने लगा। ये ढंग देखने में बहुत सीधा साधा मालूम पड़ता था। जब भूख लगे तब खाना खा लो, जब प्यास लगे तब पानी पी लो, इसी तरह जब काम संबंधी इच्छा जगे तब जो मिले
उससे प्रेम कर लो। अनैतिकता के लिए फिर स्थान कहाँ? परंतु ये कहते समय इन लोगों ने ये सोचने की कतई जरूरत न समझी कि इससे तो नैतिकता के ही खत्म हो जाने की संभावना है। अधिकांश रूसी बुद्धिजीवी नैतिकता संबंधी हर बात को पूंजीवादी गुलामी कहना पसंद करते थे। वे सोचते थे कि ज़ारकालीन जीवन का ये ऐसा पक्ष है जिसे नई समाज व्यवस्था से सहज ही मिटाया जा सकता है। इन लोगों को न तो ज़ारशाही समाज व्यवस्था से कोई दिलचस्पी थी और न सोवियत समाज व्यवस्था से। वे तो केवल मजदूर वर्ग और किसान औरतों का उद्धार करना चाहते थे। ये तो थी उनकी कथनी, पर उनकी करनी दूसरी ही थी। उनकी इच्छा थी कि प्रेम संबंधों से हर किस्म का बंधन हटा लिया जाए। स्वप्नलोक में विचरने वाले कवियों से इस बात को छीन लीजिए और परखिए इस नैतिकता संबंधी कसौटी पर। देखिए आपको क्या दिखाई पड़ता है। आपको दिखाई पड़ेगा सब स्त्रियों के लिए बंधनहीन वेश्यावृत्ति। सोवियत नेताओं के सिद्धांतों और कार्यक्रम में इस बंधनहीन प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं था। उल्टे सोवियत नेता जानते थे कि व्यक्तिगत स्वाधीनता की आड़ में नैतिकता संबंधी सिद्धांतों का नाश समाजवादी प्रगति के आड़े आएगा। वे ये भी देखते थे कि सोवियत सत्ता को उखाड़ फेंकने की तैयारियां करने वाली वैदेशिक ताकतें प्रेम की इस स्वाधीनता का ढोल पीट रही हैं और प्रचार कर रहे हैं कि रूस में तो औरतों का समाजीकरण हो गया है। उस समय का सोवियत विरोधी प्रचार ये तान अलाप रहा था कि बोल्शेविक नेताओं की नीति तो ये है कि कोई भी मर्द किसी भी औरत को इस्तेमाल कर सकता है, कि एक की बीवी बहुतों की बीवी है, कि रूस से विवाह प्रथा को उठा ही दिया गया है, कि बच्चों को सरकारी अस्पतालों में बिना उनके माँ बाप का पता बताए पाला जाता है, इत्यादि इत्यादि। मैक्सिम गोर्की, जो अपने जीवन काल में ज़ारशाही ढोंग ढकोसले के पक्के विरोधी और शोषित जनता के सदा समर्थक रहे थे, कुछ दिनों तक सोवियत व्यवस्था के भी विरोधी रहे। नई शासन व्यवस्था का विरोध करने का मुख्य कारण उनका ये भय था कि लाखों करोड़ों किसानों और मजदूरों को मुक्त करने में कहीं व्यक्ति के निजी अधिकारों को धक्का न लगे। इतिहास में व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों में गोर्की का स्थान प्रमुख है, पर हमारे आज के कुछ वाक प्रवीण नेताओं की तरह उन्होंने इक्के दुक्के लोगों, समाज के सफेद पोशों की हिफाजत के लिए शोरगुल नहीं मचाया। स्वाधीनता से उनका अर्थ था सभी के लिए, लाखों करोड़ों के लिए, आम जनता के लिए स्वाधीनता। हालांकि उन्होंने दोष उन्हीं लोगों पर मढ़ा जो दोषी थे, सोवियत नेताओं पर नहीं। फिर भी नैतिकता संबंधी नई धारा की कड़े शब्दों में उन्होंने आलोचना की। 1920 में कही उनकी ये बात आज भी सच उतरती है। प्रेम के बारे में मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं बघारूंगा। अपने एक प्रसिद्ध लेख में उन्होंने लिखा था, हाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, वो ये कि यौन संबंधी मामलों में नई पीढ़ी के लोग मेरे विचार से अति सरलता के दोषी हैं। कुछ दिनों के बाद उन्हें अपने अपराध का भुगतान करना ही पड़ेगा। बंधन रहित प्रेम के प्रचारकों पर सरकारी तौर पर हमला बोला लेनिन ने। महिला क्रांतिकारी क्लारा जेटकिन से लेनिन की बातचीत हो रही थी। क्लारा जेटकिन ने लेनिन का ध्यान इस क्रांतिकारी विचारधारा की ओर दिलाया कि प्यास की तरह ही कामेच्छा भी शरीर की एक स्वाभाविक इच्छा होती है। प्यास की तरह उसे भी उसी वक्त बुझा लेना चाहिए जब वो पैदा हो। सोवियत सत्ता के प्रवर्तक लेनिन ने इसका उत्तर क्या दिया? उन्होंने कहा, निश्चय ही प्यास बुझा लेनी चाहिए। और फिर ढोंग भरी नैतिकता की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने इस तथाकथित क्रांतिकारी विचारधारा पर करारा हमला किया और कहा, परंतु क्या साधारण परिस्थिति में एक स्वस्थ मनुष्य गंदी नाली के पनाले का पानी पी लेगा? क्या वो उस गिलास से पानी पी लेगा जिसके किनारों पर तमाम होठों की जूठन लगी हुई हो? इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक और पहलू सामाजिक पहलू भी है। पानी पीना एक व्यक्तिगत चीज है, प्यार में दो जीवों का संबंध निहित है और एक तीसरे नए जीव की उत्पत्ति होती है। यही वो चीज है जो प्यार को सामाजिक महत्व देती है, जो समाज की ओर व्यक्ति के कर्तव्य को निर्धारित करती है। एक कम्युनिस्ट होने के नाते मुझे पानी के गिलास वाले सिद्धांत से
कतई हमदर्दी नहीं है, हालांकि इसे प्रेम की प्यास बुझाना कहा जाता है। जो भी हो, प्रेम की ये स्वच्छंदता न तो नई चीज है, न कम्युनिस्ट ही इसके हामी है। तुम्हें याद होगा कि पिछली शताब्दी के मध्यकाल में इसी सिद्धांत का हृदय की मुक्ति के नाम से रोमांटिक साहित्य में प्रचार किया जाता था, पर अमली तौर से ये सिद्धांत शरीर की इच्छा पूर्ति का सिद्धांत बन गया। जहाँ तक प्रचार की बात है, वो आज से कहीं ज्यादा मंजा हुआ था, अमल की बाबत मैं नहीं कह सकता। लेनिन से ये पूछे जाने पर कि यौन संबंधी स्वच्छंदता का वे किस हद तक विरोध करेंगे, उन्होंने कहा, मेरी आलोचना का आशय संन्यासवाद का प्रचार करना नहीं है, कतई नहीं। कम्युनिज्म संन्यासवाद की स्थापना नहीं करेगा, वो स्थापना करेगा सुखी जीवन की, शक्तिशाली जीवन की, संतोषपूर्ण प्रेम जीवन, इस उद्देश्य में सहायक होगा। मेरे विचार से यौन संबंधी मामलों पर आजकल जैसा जोर दिया जा रहा है, वो जीवन को सुख और शक्ति देने वाला नहीं है, बल्कि सुख और शक्ति छीन लेने वाला है। महान परिवर्तन के इस युग में ये बात बुरी है, बहुत ही बुरी है। युवा पुरुषों और स्त्रियों को खास तौर से जीवन के सुख और शक्ति की बहुत ही जरूरत है। स्वास्थ्यप्रद खेलकूद, बहुमुखी बौद्धिक क्रियाएं, शिक्षा, अध्ययन, खोजबीन, नई उम्र के लोगों के लिए ये चीजें यौन समस्याओं पर अनंतकालीन सिद्धांतों और विवादों से ज्यादा फायदे की, तथाकथित जीवन की पूर्ण अभिव्यक्ति से कहीं ज्यादा फायदे की होंगी। स्वस्थ शरीर तो स्वस्थ मस्तिष्क। लेनिन की बातचीत से दिया गया ये उद्धरण यौन संबंधी समस्याओं पर सोवियत नेतृत्व के रवैये को स्पष्ट कर देता है। लेनिन के इन शब्दों को लेकर बाद में जो लंबे वाद विवाद हुए, उनके उद्धरण देने की यहाँ जरूरत नहीं है। वास्तव में सोवियत कार्यक्रम रूस के आर्थिक और राजनीतिक जीवन के पुनर्संगठन तक ही सीमित नहीं था, वो इससे कहीं ज्यादा व्यापक और विस्तृत था। सोवियत सरकार का साहसपूर्ण लक्ष्य न सिर्फ मनुष्य के दिन प्रतिदिन के जीवन को बदलना था, बल्कि मनुष्य के स्वभाव को भी बदलना था। ये लक्ष्य बड़े अनूठे ढंग से मास्को स्पोर्ट क्लब के इस नारे में प्रकट होता है, हम मानव समाज का पुनर्संगठन न सिर्फ आर्थिक आधार पर कर रहे हैं, बल्कि मनुष्य जाति को ही वैज्ञानिक सिद्धांतों के सहारे सतपथ पर ले जा रहे हैं। हम इस नारे के पहले हिस्से को छोड़ भी दें, तो भी अपनी समाज व्यवस्था में आर्थिक परिवर्तन की जरूरत को हम लोग स्वीकार कर चुके हैं, किंतु मानव जीवन को वैज्ञानिक नियमों के सहारे सुधारना तो एकदम नई प्रस्तावना है। इन 8 शब्दों में वे तमाम दार्शनिक और नैतिक विचार निहित हैं, जिन पर सदियों से वाद विवाद होता चला आया है। स्पोर्ट क्लबों के नारों में ये एकदम अनूठी चीज है। सबसे पहले तो ये कि उपरोक्त नारा मानव जाति में सुधार की आवश्यकता को मानता है, दूसरे वो इस बात को मानता है कि मानव जाति को सुधारा जा सकता है, और अंत में वो ये अनूठा विचार पेश करता है कि मानव स्वभाव को वैज्ञानिक नियमों के सहारे सुधारा जा सकता है, अर्थात ऐसे तरीकों के जरिए सुधारा जा सकता है जो ठीक तरह से आयोजित किए गए हों और जिनके असफल होने की आशंका नहीं हो। और ये सच्चाई है कि इतिहास में जब कभी भी ऐसे नैतिकता संबंधी बड़े से बड़े सुधारों को प्रयोग में लाया गया है, उनके मूल में यही 3 बातें काम करती थी, जिनका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। हमें यहाँ दार्शनिकता से मतलब नहीं, हमें तो सच्चाई से प्रयोजन है। और ये एक सच्ची बात है कि इतिहास का नैतिकता संबंधी सबसे बड़ा प्रयोग उपरोक्त 3 बातों पर अडिग विश्वास की शिला पर आधारित था। हमारी निजी धारणाएं कुछ भी क्यों ना हो, हमें कुछ देर के लिए तो सच्ची बातों को मानना ही पड़ेगा, और किसी कारण से न सही। सोवियत रूस में इंद्रिय रोगों, व्यभिचार और शराबखोरी का अंत क्यों कर हुआ, ये जानने की उत्सुकता के आधार पर ही हमें ईमानदारी की बात मान लेनी चाहिए। तो हम इस विचार को किस प्रकार से हृदय में बैठा लें कि वैज्ञानिक सिद्धांतों के सहारे मानव जाति को सुधारा जा सकता है। हम देख चुके हैं कि हमारे देश में अनैतिकता के खिलाफ डॉक्टरी आंदोलन बड़े जोर शोर से चलाए गए, लेकिन
कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं निकला। केवल इंद्रिय रोगों को जीतने के प्रयत्नों तक सीमित रहने पर भी उनसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इस असफलता के साथ साथ एक बात और भी है, हमारे जनवादी देशों के किसी भी जिम्मेदार वैज्ञानिक ने ये कहने का साहस नहीं किया कि अनैतिकता की इस समस्या के हल के लिए कोई वैज्ञानिक खोज की जाए। फिर वैज्ञानिक उपायों में सोवियत नेताओं का आशावाद कहां से उमड़ पड़ा? सोवियत वैज्ञानिकों ने पहले तो अनैतिकता को एक समझ में आने वाली बात बना दिया, दूसरे उन्होंने पाप पर से रहस्य का पर्दा हटा दिया। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत अभी आप सुन रहे थे डायसन कार्टर की पुस्तक पाप और विज्ञान की 9वीं कड़ी। आशा है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, इसे अन्य लोगों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और व्हाट्सएप पर जुड़कर ऑडियो फाइल के साथ लगातार कार्यक्रम पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9617226783 को अपनी संपर्क सूची में सहकार रेडियो नाम से सेव कर लें और अपने व्हाट्सएप अकाउंट से अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ये सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दीजिए इजाजत अपने दोस्त पवन को, सुनते रहिए सहकार रेडियो। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।